हेलो फ्रेंड्स, मैं श्वेता अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फूड विद श्वेता में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू गाजर मटर की सब्जी, जो कि सभी को बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आज जो हम इस सब्जी को बनाएंगे, थोड़े डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी को। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ली है अदरक के टुकड़े, ये लहसुन, ये चार टमाटर, ये दो हरी मिर्च। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने चूल्हे पे कढ़ाई को रख दिया है और अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हम थोड़ा सा ज़्यादा डाल रहे हैं फ्रेंड्स। तो जब तक हमारा तेल अच्छे से गर्म होता है, तब तक हम हमारा लहसुन और अदरक को ओखली में कूट लेते हैं। तो अदरक और लहसुन को हम बारीक से कूट लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने ली है कटी हुई गाजर। गाजर को हमने गोल शेप में काट लिया है, आप और कोई भी शेप में काट सकते हैं। और ये हमने ली है आलू। आलू को हमने थोड़ा सा बड़े साइज़ में काटा है फ्रेंड्स, गाजर से। और ये हमने ली है ताज़ा मटर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, तेल हमारा गर्म हो गया अच्छे से और अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। जो अजवाइन होती है फ्रेंड्स, वो गाजर की सब्जी में मेन इंग्रेडिएंट होता है। और अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से ब्राउन करेंगे। अदरक लहसुन के ब्राउन होने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हींग। और अब इसमें हम डालेंगे हमारे कटे हुए आलू। आलू को फ्रेंड्स हम अच्छे से फ्राई करेंगे लगभग 5 से 7 मिनट। अच्छे से 5 से 7 मिनट आलू को फ्राई करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे हमारे मसाले। तो सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और अब इसमें हम डालेंगे 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती, इसलिए हम थोड़ी ज़्यादा डाल रहे हैं फ्रेंड्स। और अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर। हम ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स। और अब इन सभी मसालों को हम आलू के साथ अच्छे से भून लेंगे। तो अच्छे से मसालों को आलू के साथ भूनने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा डाल रहे हैं पानी, जिससे जो हमारे आलू हैं अच्छे से गल जाएंगे। और अब लगभग 5 से 7 मिनट तक हम इसको ढक देंगे, जिससे जो हमारे आलू हैं गल जाएंगे। 5 से 7 मिनट के बाद हम हमारे आलू को चेक करेंगे ये अच्छे से गले हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आलू हमारे 50% गल चुके हैं। और अब हम डालेंगे इसमें हमारी कटी हुई गाजर। गाजर को हमेशा फ्रेंड्स आलू के थोड़ा पकने के बाद ही डालना चाहिए। और अब इसमें हम डाल रहे हैं हमारे मटर, जो कि हमने ताज़ा मटर लिए हैं। और इन सभी को अच्छे से मिलाने के बाद हम इसको फिर से पकाएंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी गाजर का कलर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। लंबी कतरी हुई 2 हरी मिर्च। और ये हमने डाले हैं हमारे 4 देसी टमाटर। और अब इसको हम फिर से चलाएंगे फ्रेंड्स। और लगभग 5 मिनट के लिए हम इसको अब ढक के पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हम हमारी सब्जी को फिर से चेक करेंगे फ्रेंड्स कि हमारी गाजर मटर अच्छे से गले हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी सब्जी लगभग गल चुकी है। और अब हम हमारी गाजर को चेक कर रहे हैं। तो गाजर हमारी 50% पक चुकी है, थोड़ी सी इसमें अभी कसर बाकी है। तो फ्रेंड्स, हम इसको फिर से ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के बाद हम हमारी सब्जी को फिर से चेक करेंगे फ्रेंड्स।
तो सब्ज़ी में से फ्रेंड्स बहुत भाप निकल रही है और सब्ज़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, जिससे हमारी सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हरे धनिया को हम अच्छे से हमारी सब्ज़ी में मिला देंगे फ्रेंड्स। आपको सब्जी के कलर से ही दिख रहा है फ्रेंड्स हमारी सब्जी कितनी बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स आप इस सब्जी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हमारी सब्जी को हम चूल्हे से नीचे उतार लेते हैं फ्रेंड्स। तो सब्जी को हमने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। तो सब्जी में से बहुत भाप निकल रही है इसलिए सब्जी का कलर भी नहीं दिख रहा है। और अब इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा गरम मसाला। तो फ्रेंड्स हमारी आलू गाजर मटर की सब्जी बिल्कुल रेडी है और आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।